गुड इवनिंग मध्य प्रदेश। मेरा नाम कार्तिक और आप देख रहे हैं खबर टीवी न्यूज। चलिए हम बात करते हैं आज की अभी तक की मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरों की, जिसमें पहली बड़ी खबर है बेंगलुरु से, जहां पर भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम मस्कट ओमान में पुरुष जूनियर एशिया कप का खिताब जीतने के बाद आज बेंगलुरु पहुंची। भारत के फाइनल में अपने प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 3-5 से हराकर अपने पुरुष जूनियर एशिया कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया। अगली बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां पर उत्तर प्रदेश स्टेट टेनिस चैंपियनशिप में पहले राउंड की एकल प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें युवा खिलाड़ियों ने खूब उत्साह दिखाया। प्रयागराज के सजग केसरवानी ने वाराणसी के अनुराग कुमार को 6 से मात दी, वहीं लखनऊ के ओम यादव ने गाजियाबाद के विशाल चौधरी को मात दी। अगली बड़ी खबर है मुरादाबाद से, जहां पर खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश हैंडबॉल संघ के समन्वय से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर राज्य स्तरीय सीनियर महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच गुरुवार को बनारस बनाम अयोध्या की टीमों के मध्य खेला गया। अगली बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर सब जूनियर नेशनल वुमेन हॉकी प्रतियोगिता 2024 का आयोजन 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक सिकंदराबाद तेलंगाना में किया जा रहा है। प्रतियोगिता का सेमीफाइनल मुकाबला गुरुवार को मध्य प्रदेश मिजोरम के मध्य खेला गया। इसमें मध्य प्रदेश की बालिका हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन कर मिजोरम की टीम को हराया। अगली बड़ी खबर है बिग बैश लीग के नए सत्र की शुरुआत में 1 सप्ताह का समय बचा है। हालांकि खिलाड़ियों की चोटों ने टीमों की चिंता बढ़ा दी है। 3 टीमों के कप्तान बीबीएल 14 के शुरुआती मैच के लिए फिट होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जबकि कई अन्य चोटों से उबरने में लगे हुए हैं। अगली बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां पर गुरुवार की रात अचानक आई सर्द हवाओं की वजह से शुक्रवार को रात का पारा गिरकर 8.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जो वर्तमान मौसम में अब तक का सबसे कम है। मौसम विभाग के अनुसार अभी 2-3 दिन तक रात के तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। अगली बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां पर प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने शुक्रवार को आदर्श गौशाला लाल टिपरा गौशाला का जायजा लिया। उन्होंने गौशाला में गौ माता का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आदर्श गौशाला देश की एक अनूठी गौशाला है। अगली बड़ी खबर है भोपाल से, जहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि होटल अमलतास का संचालन सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाना मध्य प्रदेश के गौरव का विषय है। यह प्रयास महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में हमें संकल्प को प्रदर्शित करता है। इस पहल से अन्य राज्य भी प्रेरणा लेंगे। अगली बड़ी खबर है मुरैना से, जहां पर मुरैना शहर की रुई की मंडी में स्थित एक मकान में शुक्रवार को दिन के समय चोर प्रवेश कर गए। चोरों ने इत्मीनान से अलमारी को खंगाला और उसमें रखे सोने चांदी के गहने व नकदी ले गए। कुछ समय बाद जब घर की महिला बाजार से वापस आई तो चोरी की जानकारी मिली। अगली बड़ी खबर है अनूपपुर से, जहां पर लोगों की सुनवाई एवं भलाई के लिए अधिकारी कार्य करें तथा समस्याओं पर विशेष ध्यान दें। प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग की बेहतरी के लिए सतत रूप से काम कर रही है। इसके लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं, जिनके अच्छे परिणाम भी देखने में आ रहे हैं। दोस्तों, यह थी आज की अभी तक की मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें जो हमने आप लोगों को